अब किसकी बारी? सदा जी आप तो बारी ठेकेदार की सदा जी। आओ मेरे साथ, चलो आओ चलते। ना सदा जी ठेकेदार के वहां पर ऐसे जाना नहीं ठीक है। ठेकेदार के हवेली पर पुलिस का पहरा है सदा जी। पुलिस का पहरा? हाँ सदा जी। तब तो वहां पर चलना बहुत जरूरी है। जो कुछ मैं बता दूं उसे सुनो। कहे सदा जी गाँव के पास चक करो हर तुम गाँव और पुलिस तो वहां दौड़ता आ जाएगा। पशु शिवम दोस्तों हाथ मल करते हैं मेरे साथ। चालीस दाते आपके पास चल करके तुम लोगों को फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है सदा जी। वो पुलिस वाले ये समझेंगे कैसे ना डाका डाल रही है। क्या देखते सदा जी दौड़ते जाएंगे उस सिवा मैं उसकी बहन को उठा लाऊंगी। ठीक है आओ मेरे साथ। आओ सदा जी। सदा जी बस यहाँ से थोड़ी दूर है। आओ मेरे साथ। आओ सदा जी। ठेकेदार के हवेली के चारों तरफ पुलिस दल तैयार है। क्यों नहीं सर? आपको गाँव में शादी हो रही है। ऐसा है एक बात कही गुस्से हो तो ना ऐसा करो चोर जाकर डाल लिए और सब लूट के लेके चले जाए। उसके बाद में चला जाए और गांव वाले के यहाँ दो चार लाठी मारा जाए और 400-500 रुपया ले जाए तो रंडीबाजी की। आज हमें मौका मिला है काफी दिनों के बाद। आज हम चलते हैं। कभी कभी हम नाजरी को देखा था आज उसी के पास हम चल रहे हैं। आज हम मुलाकात करेंगे उससे। हरिया ये कौन प्यारी अपना शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। हाँ हाँ हमारा नाम सुनकर के लोगों और आहा
सुनी रहा हो। पहली बात नमस्कार, हम चलते तो कहां जाएगा साले, बरसों से मुझे तेरी ही तो तलाश थी। मेरी तलाश? आज तेरे सामने वही रूपा खड़ी है जिसके तुम लोगों ने इज्जत लूटी थी। रूपा? हाँ, हार गया। अच्छा हुआ पोजीशन डाउन कर इसका। रूपा बहन, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। तो माफ कर दीजिए अब रूपा मेरी बता। हसीना नहीं थी, वो मेरी बहन रूपा है। रूपा दीदी का ठीक है साहब, जब रोक ले ना दीदी, हमारी एक गोली न बर्दाश्त के पहुंची। हवादार, चलो मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ उसे रूपा के पास। ओ साहब, तुम हमारी जान के काहे पीछे पड़ जाएगा। चलो
राजे, कल देखा जाएगा। ठीक है। ए, कालो है रे? हरिया, देखिए क्या रे कालो है रे? कौन है? अरे हम है हम। आओ कालो है रे? हाँ आओ आओ इधर आओ फाटक बंद कर। चेचिस में दम नहीं है, रजनीकांत के नाना बने घूम रहे। कौन सी कास्ट? ऊंची कास्ट। ऊंची कास्ट और क्या? ये क्या है, ठाकुर है आप? ऊंची कास्ट पंडित है आप? का कथा पाठ है का? ऊंची कास्ट यादव है। हाँ, का दूध में आता है का? ऊंची कास्ट वर्मा है। ऊंची कास्ट गोसाई है। ऊंची कास्ट अब तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी कास्ट? तुम्हें समझ में नहीं आवा? तुम नहीं जाने पाए हम कौन कास्टान? हम बगल मार छत्री आए। बगल मार छत्री? ये कौन से ठाकुर होते हैं? ये सोलिया पासी है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। आदत जात कोई भी हो, इंसान जात से सूद नहीं बनता, सूद सिर्फ उसकी आदत बनाती है। हाय, सूद इंसान अपनी आदत से बनता है, वो कैसे? जात से नहीं बनता। कोई भी कास्ट हो, और ये तुम समझ लो, कोई भी कास्ट हो, ठाकुर हो, पंडित हो, यादव वर्मा हो, कोई कास्ट हो, अगरचे रेतु से बातें करता है तो समझ लो जरूर किसी गलत नुतमे से पैदा है। ये क्या बातें कर रहे? सूद की सबसे बड़ी पहचान यही है, रेतु से बातें करना। ये क्या कह रहे? भला इंसान ऐसा नहीं पढ़ेगा। और तुम कास्ट से नहीं मतलब है, जरूर कोई सूद हो। ठहरो, हम आयस में आके मौत जिंदगी को भूल जाते हो। क्या कह रहे थे? कौनो हर रे हम आपके नाम का लेटा लेकर आए। ये क्या चीज है? लेटार। ये लेटार है कि कोई चीज है? ये आपके नाम का लेटा लेकर आए। हवा भारी है तो हरिया, जब तक ये खत का मतमूल समझ न लो, इसके ऊपर कड़ी नजर रखो। भगवान ना, भगवान मनाई ना। क्या भरोसा साले, धाने धान निकल लो। नहर है, नहर कहाँ चढ़क के दी गई? डाकू से ने तुम्हें मालूम होना चाहिए, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए बुला रहा हूँ। पीली कोठी नंबर 11 दुर्गे माँ की मंदिर के पास तुम्हें आना है। खत भेजने वाले का नाम रंजीत सक्सेना। डाकू सेना, तुम्हारी बहादुरी उस वक्त जानूंगा, तुम्हारी गिरोह का कोई नहीं आएगा, तुम्हें आना है निहत्था। बलवान है, सिरा जीत खात है। महिला अपने हिसाब से बतला देना, हसीना जरूर आएगी। तुम्हारे परिजन के यहाँ कोई नाश्ता पानी नहीं है? मिलेगा हरिया, नाश्ता
ये खाएगा नाश्ता की से जरूरत रहमतुल्लाह को साथ में भेज दो। ये बुआटक न भेजो, ये बुआटक देखे ना तो हमरा गुस्सा ही लागत है। ये का न भेजो वो हम रहा तो हम भूखे चले जाओगे। लेकिन ये कौन है? हमारा साथी हरिया है। ये क्या खाता है? क्या खाता है? खाना खाता और क्या खाता है? जो खाना खाते है तो दुबला पतला है। ये खाना खाता है और प्लेट से 100 रुपए की लेकर पीता भी है। भाई ये तो दुबला पतला है, हम दोनों बताए उसका खवावा करो। देसा रुसिया पाती है, गूलर की पाती है, गूलर की पाती महुआ पाती है। धरा हरिया इका खवावा करो। ये हमारा साथी तुमको कोई बकरी नजर आता है? इका सारे देखे तो एक बकरी हमको नजर आओ। तारा साता तुम्हारे बीबी और बच्चों पर, अन्यथा यहाँ आने वाले के कदमों के निशान तो मिलते हैं पर जाने वाले के नहीं। आज तो पहला व्यक्ति है जो ऐसे जीवित जा रहा। मैं जा रहा हूँ। जा सकते हो क्या? लड़ोगे? सोहेल इधर आ। चले जाओ, क्यों भी मौत मरना चाहते हो जाओ। तुम्हारी तो कोई बात नहीं मेरी। इसे कच्ची पिलाओगे तो कहीं ये आ गया तो क्या करोगे? कहीं ये आ गया तो जाने दे हरिया। ये ले सरदार से बतला देना हसीना शाम तक आ जाएगी। ठीक है नासदा जी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूं। सरदार जी किस समय पुलिस वाले तुम्हारे सामने धोखा कर जाएंगे? मैं सरदार का मैं क्या जवाब दूंगा? ये तो मुझे भी मालूम है क्यों पुलिस वाले किसी वक्त धोखा कर सकते। अगर चेक पाकर मैं वहां ना गई तो सरदार क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? हमारे गिरोह में जितने मेरे साथ हैं वो सब बसर हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा जीता जी सरदार के नाम पर थप आए। मैं तो ये ख्वाब हूँ हरिया। क्यों ना सरदार जी? मुझे जाना होगा। ठीक है क्यों भैया? आप तो ये जानते हैं कोई इंसान ये नहीं चाहता कि चोरी करूं, कोई इंसान ये नहीं चाहता मेरे भाई मैं किसी का खून करूं। इसे मजबूरी कराते। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गया? तुम क्या जानोगे मेरी मजबूरी? जब तुम जा रहे थे पुलिस की ट्रेनिंग पर उसके 2 दिन बाद गांव में कव्वाली का प्रोग्राम रहा था। उसे बजाना तो नहीं चाहती थी लेकिन मेरी सहेलियों ने जिद करके मुझे बुला लेगी। और ले जाने के बाद वहां पर 4 गुंडे आए भैया। चाय में मुझे बेहोशी का पाउडर पिलाया गया। वो लोग मुझे उठा ले गए। जब मुझे होश आया मेरी नजरों के सामने वो 4 गुंडे मौजूद थे। उन 4 गुंडों ने मिलकर के मेरी इज्जत से खेला भैया, मेरी इज्जत से। मैं उसी दिन मर जाना चाहती थी। दुनिया वालों को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती थी लेकिन मुझे मौत भी नहीं मेरे भाई।
जब मैं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने गई, अचानक अस्का के जमीन पे गिर पड़ी। जब मुझे होश आया, मेरी नजरों के सामने डाकू मंगल सिंह, उन्होंने ले जाके अपने गिरोह में मुझे पनाह दी। जब मुझे कहीं सहारा नहीं मिला, अपने दुश्मनों से बदला लेने का यही एक रास्ता था। इतना कुछ हो गया था तो तुझे पुलिस के पास जाना था, कानून तेरा इंसाफ करती, क्यों? पुलिस कानून? और क्या? तुम्हारा कानून अंधा है भैया, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। गई थी उन पुलिस वालों के पास भी तो, लेकिन गद्दी नाली का भाई बजबजाता हुआ कीड़ा, हमने जो उन गुंडों के नजरों में देखा, कीड़ा उन पुलिस वालों के नजरों में, तब से हर पुलिस वाले मुझे एक ही सूरत दिखाई देती। हर पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। यू आर अंडर अरेस्ट, खबरदार, रुका, तू मेरी जान मार ले। भैया अगर आप जानना चाहते मैं बताती हूँ, अभी तो मेरे हाथ से सिर्फ दो खून हो भैया, बाकी है दो। जिस दिन मेरा मकसद पूरा हुआ, अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे। तो मेरी बात नहीं मानोगे? क्यों? ये मुझसे नहीं होगा मेरे भाई, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, थामो। अगर जाती हो तो ये देखो क्या है, ये वही राखी है। तू मेरी कलाई में जाती थी, अगर तू मेरी बात तो नहीं मानती है तो ये राखी अपने साथ ले जा। आपसे भाई बहन का रिश्ता खत्म, न तू मेरे लिए मेरी बहन है, न मैं तेरे लिए तेरा भाई। अब जब कभी मुलाकात होगी तब तुझे ये रंजीत नहीं बल्कि इसलिए रंजीत सक्सेना मिलेगा, और तू मेरी बहन रूपा नहीं बल्कि डाकू हसीना। ठीक है भैया, मर गई रूपा, मर गई रूपा, आज के बाद ये रूपा नहीं आएगी मेरे भाई, जा रही हूँ, जा रही हूँ। हवलदार कहाँ रहेंगे? हमें लगता तुम्हारी बात समझ में आ गई। क्यों? हाँ, तो अपने आप जाने से पहले इतना याद रखना मेरे भाई। क्या याद रखे? क्या याद रखे? तुम्हारी नजरों में रूपा मर गई है।